स्वागत ब्रेक के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने घाटशिला को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 20,484 लाभुकों के बीच 71,63,00,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया, साथ ही 14,88,00,000 की 15 का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही 30,91,00,000 की लागत से बनकर तैयार 2,126 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम ने बरूडी डैम का भी अवलोकन किया है। क्या कार्यक्रम है, हमने झारखंड आंदोलन के समय से ये घाटशिला क्षेत्र में हर चीज जानते थे, इसीलिए आज सबसे पहले बरूडी डैम हमने किया। बरसों से बना हुआ है, अच्छा सुंदर एरिया बन सकता है, लेकिन आज हमने सोच लिया जब घाटशिला हम जा रहे हैं तो बरूडी डैम वहां भी अच्छा जगह, हम लोग इतना सुंदर डैम है, बंगाल से उड़ीसा से बहुत सारे राज्य से यहाँ पर आते हैं देखने, वहां बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हमने निर्माण करने के लिए आज ने काम शुरुआत किया है, ताकि आने वाला दिन ये घाटशिला क्षेत्र में एक अलग ही परिचय हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हर समय भारत सरकार ने हम सबों को धोखा देने के काम किया है। अभी भारत सरकार ने कौन है, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हर समय झारखंड की जनता के साथ, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का साथ धोखा देने का काम किया आज का। और संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। राहुल, जमशेदपुर में बात की जाए तो घाटशिला को करोड़ों की सौगात दी गई है मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की तरफ से, जानना चाहेंगे परिसंपत्तियों का जो वितरण किया गया लाभुकों के बीच, वो कितने खुश नजर आए और क्या असर आज का पूरा कार्यक्रम? जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने ताम्रपत्रा मंच मैदान, मऊ भंडार, घाटशिला से जो योजनाओं का सौगात दी है, उसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं थी जो कार्य का पूरा हो गया था, उन्हें उद्घाटन किया हम लोग। तो सौगात कह सकते हैं कि बड़ी योजनाएं हैं जो करीब 111 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हुई, और जो परिसंपत्तियों की अगर हम बात करें तो 71,63,00,000 की परिसंपत्तियां 20,484 लोगों के बीच में बांटी गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चंपा सोरेन ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देने का काम इस मंच से किया है, इस मैदान से किया है। उसके साथ ही अगर योजनाओं की शिलान्यास बात करें तो 14,88,00,000 की 15 योजनाओं का शिलान्यास किया है, वहीं 30,91,00,000 की लागत से 2,126 योजनाओं का उद्घाटन भी किया है जो बनकर तैयार हुई। तक कह सकते हैं कि बड़ी सौगात घाटशिला विधानसभा क्षेत्र को देने का काम जो है मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने किया है। हालांकि जिस तरीके से इस घाटशिला विधानसभा में 3 कार्यक्रमों का आयोजन था, हालांकि यहां से परिसंपत्तियों का वितरण और कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम था, लेकिन 2 अन्य कार्यक्रम भी चंपा सोरेन मुख्यमंत्री के थे, शिरकत करेंगे, अन्य लोगों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया कराए गए। तक हम कह सकते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद इस तरीके से मुख्यमंत्री चंपा सोरेन खुद कह रहे हैं कि चुनाव जैसे ही खत्म हुआ है, हमने पूरी ताकत से राज्य के विकास में काम करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं वो दिखाई भी दे रहा है कि जिस ताकत से चंपा सोरेन ने पूरी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं, और आगे जो कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार कर रही है वर्तमान सरकार, और दावे जो किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड को देश में के सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ा करने का काम गठबंधन सरकार कर रही है। जी राहुल, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की, तो आज उन्होंने बरूडी डैम का भी अवलोकन किया है, तो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या खास योजना बनाने को जो तैयार है झारखंड सरकार देखने को मिल रही है इसमें? उन्होंने साफ कहा है कि घाटशिला क्षेत्र या पूर्वी सिंहभूम जिले के जो लोग हैं प्रवासी मजदूर या जो रोजगार के लिए पलायन करते हैं, उस रोजगार को पलायन को रोकने के लिए अगर सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टिकोण से देखा जाए, उस डैम का विकास किया जाए तो हद तक पलायन को रोका जा सकता है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि 7 से 8 जो माइंस है घाटशिला क्षेत्र में वो बंद पड़ी हैं,
उन्हें शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी, मैं पत्राचार करूंगा, जिससे कि घाटशिला और पूर्वी सिंहभूम के लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, पलायन नहीं करना पड़े, क्योंकि झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है पलायन, और उस पलायन को रोकने की कवायद एक तरह से करते दिखाई दे रहे हैं मंत्री चंपई सोरेन, और उसमें पहल भी करने की कोशिश, भरपूर कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस पलायन को गंभीरता को भी देखते हुए पर्यटन और संस्कृत क्षेत्र और बंद पड़े कल कारखाने को खोलने की बात कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि राज्य में जो लोग पलायन के लिए पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि गठबंधन सरकार सौगात देने की कोशिश में जुटी हुई है। फल चूंकि आपकी कई यहाँ पर जो लाभुक पहुंचे थे वहां पर लाभ लेने के लिए उनसे बात भी होगी, वो कितने खुश नजर आए परिसंपत्तियों को पाकर, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री, जब पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन भी इसी तरह के परिसंपत्तियों का वितरण करते थे, लोगों के बीच बहुत ही अच्छा माहौल बनता था, कितने खुश नजर आए जब इस तरह के परिसंपत्तियों का वितरण उनके बीच किया जा रहा था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।